नादौन के विधायक एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 7 अप्रैल को वोटिंग उपरांत जब परिणाम सामने आएंगे उसमें निश्चित तौर पर धर्मशाला में कांग्रेस की नगर निगम बनेगी। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा धर्मशाला में किए गए विकास कार्यों और 3.5 साल में भाजपा सरकार की नाकामी को देखते हुए कांग्रेस धर्मशाला नगर निगम में जीत दर्ज करेगी। रविवार को कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार हेतु धर्मशाला पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के अंतिम दिन ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेरा दावा है कि इन 3 दिनों में अभी भी जो थोड़े बहुत मनमुटाव हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा। भाजपा के भी कुछ लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं, उनसे भी संवाद स्थापित किया जाएगा। इस बार के नगर निगम चुनाव में पहले से स्थिति अच्छी रहेगी। नगर निगम जैसे चुनावों में प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि पर भी निर्भर करता है। जिला कांगड़ा में चौधरी चंद्र कुमार दिग्गज हैं, सुधीर शर्मा पूर्व मंत्री भी दिग्गज हैं और नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी वो भी दिग्गज हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागी नहीं होते, बल्कि ऐसे लोगों को लगता है कि हम भी अपनी किस्मत आजमा लें। विधानसभा के चुनाव में भी कई बार ऐसा होता है। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा फोटो हाथ होता है। जिस भी प्रत्याशी ने अपनी चुनाव सामग्री में हाथ का निशान लगाया है वही हमारा प्रत्याशी है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की एक इंटरनल टीम भी मुस्तैद है जिनसे मैं हर रोज फीडबैक लेता हूं। अब मैं खुद 6 अप्रैल तक यहां बैठूंगा। 7 तारीख को जो इस धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ही शाम को जब परिणाम निकलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स है और जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर शिमला धर्मशाला नगर निगम में कांग्रेस का मेयर बनेगा, कांग्रेस का डिप्टी मेयर बनेगा और कांग्रेस की नगर निगम बनेगी। कितनी सीटें लेकर चल रहे हैं? देखिए सीटें नहीं है, लेकिन एक लोगों की जो भावनाएं हैं और जो हमारे उम्मीदवार हैं, जहां हमारे सभी उम्मीदवार सहमति से बने हैं और सब लोगों की एक इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए हैं उस कार्य के आधार पर और पिछले 3.5 साल से जो इस सरकार की नाकामी रही है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर धर्मशाला नगर निगम और 3 में हमारे ये मेयर कांग्रेस पार्टी का। सर आज आप धर्मशाला आए हैं और केवल 2 दिन बाद ही जो है चुनाव होने वाले हैं, तो इन 2 दिनों में किस तरह की रणनीति रहने वाली है आप? देखिए आज से ठीक 3 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। 2 दिन, आज 4 तारीख है, 5 तारीख है, 6 तारीख है और मैं तो खुद काउंसलर रहा हूँ और मेरा राजनीतिक जीवन, मैं 10 साल शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंसलर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि लास्ट के 3 दिन ही होते हैं जो चुनाव के दिन होते हैं, लास्ट के 3 दिन ही होते हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 3 दिनों में जहाँ थोड़ा मोड़ मन मुटाव है उसको भी हम दूर करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं उनसे भी हम अपना संवाद स्थापित करेंगे और जहाँ भी होगा मजबूती से कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार। 17 सीटों में से कितनी सीटें आप जीतने का दावा करेंगे? पहले से अच्छी ही स्थिति रहेगी। सर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, किस तरह से देखते हैं सर, ऐसी जरूरत क्या पड़ेगी? देखिए जो ये काउंसलर का चुनाव होता है ये जो उम्मीदवार होता है उसकी व्यक्तिगत छवि पर भी निर्भर करता है जी। और जहाँ दिग्गज की बात है, चौधरी चंद्र कुमार सिंह से बड़ा दिग्गज कोई और नेता नहीं है जी। चौधरी चंद्र कुमार जी 5 बार के MLA रहे हैं, MP रहे हैं और एक प्रोफेसर है, इनसे बड़ा नेता नहीं है। और सुधीर शर्मा यहाँ के दिग्गज है, हमारे जग्गी जी जो मेयर हैं वो यहाँ के दिग्गज हैं, हम खुद लोग बैठ के जो हमारे कार्यकर्ता जो संगठन के हमने जिस दिन हमने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करना था उसी दिन हमने 17 जो अपने ऑब्जर्वर लगाए थे उनकी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर और उनकी फीडबैक के आधार पर हम ये निश्चित तौर पर दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्मशाला में नगर निगम का चुनाव जीतेगी। सर मैंडेट निगम में कांग्रेस के जो है बागी जो है वो ही प्रत्याशियों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं हम उनको बागी नहीं मानते, कई बार आदमी की भावना ऐसी भी होती है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो बागी नहीं होते वो और वो सोचता है कि एक बार मैं भी अपनी किस्मत आजमा दूं। MLA के समय भी ऐसा कई बार होता है। सर 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने सुधीर शर्मा का अपने पोस्टों पे फोटो नहीं लगाया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि जहां सबसे बड़ा फोटो कांग्रेस पार्टी में हाथ होता है, अगर उन्होंने हाथ का फोटो लगाया है तो सबसे बड़ा फोटो वही है,
और फिर एक व्यक्ति की भावना होती है कि मैं चलो इनका फोटो लगा लेता हूँ, लेकिन हाथ का निशान जिसने लगाया है वही कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है। 17 वार्डों में जहाँ हाथ का निशान होगा, हमारे वहाँ कार्यकर्ता ऑब्जर्वर्स और हमारे एक इंटरनल टीम लगी हुई है नगम चुनाव लड़ाने के लिए, जिनसे मैं डेली फीडबैक ले रहा हूँ और मैं भी 6 तारीख तक यहाँ बैठूंगा और देखेंगे हम पूरी तरह से कि किस तरह से हम चुनाव जीतेंगे।